नमस्कार, मैं निर्माता श्रियोम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत को निशाना बनाने के लिए बीएमसी ने कार्रवाई की थी, उसके ऑफिस को तोड़फोड़ की थी, उसको लेकर आज फिर से कंगना रनौत ने उन तमाम लोगों के खिलाफ एक हमला बोला है। और उस तोड़फोड़ को अब कंगना रनौत ने जिन शब्दों में कहा है उसको लेकर बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन कंगना ने कहा है कि ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। कंगना ने यह भी कहा कि जिस तरीके से मेरे सपने के ऑफिस को तोड़ा गया है वो सीधे तौर पर बलात्कार है। कोई अगर इसे बलात्कार नहीं मानता है तो ये उसकी दिक्कत है। आगे कंगना एक और पुराने शेर को कहती है कि एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं बरते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर का, क्या यह बलात्कार नहीं है। कंगना बार बार बलात्कार शब्द पर जोर दे रही है। उसकी वजह यह है कि सामना में संजय राउत ने भी लिखा था कि जो लोग मुंबई को गाली दे रहे हैं, मुंबई का अपमान कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर मुंबई का बलात्कार कर रहे हैं और हम मुंबई का बलात्कार नहीं होने देंगे। यानी कि अब हर उस चीज़ को सामना में बलात्कार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कंगना अपने ऑफिस को तोड़े जाने को भी अपना बलात्कार मानती है, अपने सपनों का बलात्कार मानती है। और कुछ लोग जो इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी कंगना ये कहती हुई नज़र आ रही है कि बलात्कार केवल शारीरिक रूप से नहीं होता है, मानसिक रूप से भी होता है और भावनात्मक रूप से भी होता है। ये अब कंगना अपने जो आलोचना या सवाल करने वालों को जवाब दे रही है। इससे पहले कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न स्टार यानी कि हल्के स्तर की कामुक अभिनेत्री बताया था, जिसको लेकर भी तमाम लोग कंगना रनौत से सवाल करने लगे और उनमें उर्मिला मातोंडकर के साथ में भी लोग आने लगे, जिसका जवाब भी कंगना रनौत ने दिया और ये कहा कि उर्मिला मातोंडकर जिस तरीके से फिल्मों में आई थी उसकी एक्टिंग के लिए उसे कम जाना जाता है, बल्कि उसके शरीर दिखाने की वजह से, भड़काऊ एक्टिंग करने की वजह से उसको ज़्यादा याद रखा जाता है। कंगना ने उर्मिला मातोंडकर के पक्ष में खड़े हुए लोगों से, चाहे स्वरा भास्कर हो, अनुभव सिन्हा हो, ऐसे लोगों से पूछा है कि आप तब कहाँ थे जब वो मुझे रुदाली और बैस्या यानी प्रोस्टिट्यूट बोल रही थी, तब आपका ये महिलावाद कहाँ मर गया था, लेकिन आज मैंने अगर उसको सॉफ्ट पोर्न स्टार कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। जबकि इसी इंडस्ट्री ने सनी लियोनी जो कि खुले तौर पर एक पोर्न स्टार थी उसको एक अदाकारा मान लिया था, जबकि पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा था। तो ये आपकी दोगलापन है, आपकी दोगली सोच है। और मैं एक छत्राणी हूँ, मैं सर कटा सकती हूँ लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं गिरने दूंगी। मैं अकेले ही आप सबके मुकाबले में खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। मेरी आवाज़ बुलंद है और बुलंद रहेगी। ये बात कही है कंगना रनौत ने और कहा है कि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूँगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता न मैंने किया है और न करूँगी। यानी कंगना रनौत खुलेआम चुनौती दे रही है उन लोगों को जो जया बच्चन के साथ खड़े हुए हैं, उर्मिला मातोंडकर के साथ में खड़े हुए हैं या रिया चक्रवर्ती के साथ में खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सही मुद्दे पर, राष्ट्र के हित के मुद्दों पर कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इनके जो पूछ है या इनकी गर्दन पर या इनकी जो कमजोरी है उस पर वार किया जाता है, ये लोग तिलमिला जाते हैं। उसी कड़ी में उर्मिला मातोंडकर भी सामने आई। ये वही उर्मिला मातोंडकर है जिसने एक कश्मीरी मुस्लिम से शादी की थी और बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, मुसलमान बन गई थी, लेकिन चुनावों में फिर से इसने अपना नाम उर्मिला मातोंडकर अपना लिया था और इसको कांग्रेस की टिकट भी मिली थी। इसको लेकर भी जब कंगना से सवाल पूछा गया तो कंगना ने यह कहा कि जब उर्मिला मातोंडकर जैसी अभिनेत्री को टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, और चुनाव लड़ना तो हर भारतीय का एक अधिकार है, नागरिक अधिकार है। इसके साथ साथ कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री को आज उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी और उसी के तहत कंगना ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जो कि देश के अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ बेशर्म लोग हैं जो आज बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं शांति की कामना करती हूँ। ऐसी बात कहकर कंगना रनौत ने हमें जो हमला बोला है संजय राउत के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर, शिवसेना के ऊपर, ये अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड अब दो धड़ों में बंटता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है।
किशन ने जो हमला बोला था उसको लेकर जया बच्चन ने उस पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो पलटवार जया बच्चन के ऊपर उल्टा पड़ गया। हालांकि जया बच्चन को कुछ लोगों का साथ तो मिला, जिनमें फरहान अख्तर जैसे, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं या उर्मिला मातोंडकर जैसे लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आए वो सब वो हैं जो अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाने में बॉलीवुड में कामयाब रहे। जयप्रदा ने खुले तौर पर समर्थन किया रवि किशन का और सवाल उठाए जया बच्चन के ऊपर और ये कहा कि वो देश हित और युवाओं के हित की बजाय इस समय नशा के कारोबारियों के हित में बोल रही है, ये उचित नहीं है। दूसरी तरफ रणवीर शौरी जैसे लोग भी आए और उन्होंने कहा कि किस थाली की आप बात कर रहे हैं, उस थाली में तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं है, आप तो थाली अपने बच्चों के लिए परोसते हैं, हम तो अपनी मेहनत से अपनी रोटी अपना टिफिन सजा कर काम करने जाते हैं और उसके बाद जो हमारे पास है ये वो है जो आपके पास नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर रणवीर शौरी भी रवि किशन का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही मनोज तिवारी ने भी इस मामले में रवि किशन के साथ हाँ में हाँ मिलाई और ये कहा है कि बॉलीवुड में जो बड़ी मछलियां हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं या नशेड़ीपन की वजह से जाने जाते हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू जैसे लोग हैं या फिर करण जौहर जैसे लोग हैं जो सीधे तौर पर आज जया बच्चन की बात कर रहे हैं या फिर स्वरा भास्कर और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी पोल जरूर खुल जाएगी। उनका जो संबंध है नशे के माफिया से, वो नशे के कारोबारियों से और काला धन लगाने वालों से, जिसको लेकर जय पांडा ने भी हमला बोला था, और इन सब में अगर देखा जाए तो एक तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है कंगना रनौत ने, और यही वजह है कि कंगना रनौत अपना घर तोड़े जाने के कई दिन बाद भी, एक हफ्ते बाद भी जिस तरीके से उस मुद्दे को उठा रही है। कंगना ने जिस तरीके से तमाम फोटोग्राफ शेयर किए हैं और उन फोटोग्राफ को शेयर करते हुए वो जिस बात जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो काफ़ी कड़े शब्द हैं। कंगना कहती है कि मेरे कर्मस्थान को शमशान बना दिया गया, न जाने कितने लोगों को रोजगार छीन लिया, एक फिल्म यूनिट कई लोगों को रोजगार देती है, एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वाले का भी घर चलाती है, हम सबसे रोजगार छीन के वे लोग आज रोजगार बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। ये सीधा तौर पर शिवसेना के ऊपर कटाक्ष है, कंगना रनौत का शिवसेना के ऊपर हमला है। अब देखना ये होगा कि इस हमले के बाद में संजय राउत किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, किस तरीके की लफाजी का इस्तेमाल करता है आने वाले दिन के सामना में, क्योंकि जिस तरीके से एक बार संजय राउत या सामना में कुछ लिखा जाता है कंगना उसका जवाब देती है और एक बार जब जवाब आ जाता है तो उसके बाद संजय राउत फिर से अपनी कलम चलाता है और कंगना पर बार बार हमला बोलता है, जिसकी वजह से उसके शब्दों में जो बिखराव देखने को मिला है। संजय राउत जो दो बार से ज़्यादा के राज्यसभा सांसद हैं लेकिन उसके बावजूद वो हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कंगना रनौत के लिए। बाद में जब ये पूछा जाता है संजय राउत से कि ये हरामखोर शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो इसके जवाब में संजय राउत का जवाब होता है कि उनकी नज़र में हरामखोर का मतलब होता है नोटी यानी कि शरारती। अब इसको लेकर बाद में सोशल मीडिया पर सभी लोग नोटी संजय राउत करके ट्वीट करने लगे, इसको लेकर संजय राउत को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उसने कहा कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है, ये सब भक्त कर रहे हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे निशाना बना रहे हैं, पहले वो महाराष्ट्र सरकार को निशाना बना रहे थे अब वो मुझे निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर संजय राउत हो शिवसेना हो ये पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो बॉलीवुड का ड्रग माफिया है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रवि किशन ने आज फिर से इस पर हमला बोला और ये कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ है जो बॉलीवुड को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसमें काला धन लगाते हैं और इसको नशे के मकड़ जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को इससे मिर्ची लगती है तो लगती रहे, लेकिन हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। यानी कि अब दो दो तरफ से बॉलीवुड के ऊपर हमला चल रहा है, एक तरफ कंगना रनौत अपने बार पे बार कर रही है, शब्दों के बाढ़ चला रही है, दूसरी तरफ रवि किशन की तरफ से
ड्रग माफिया के खिलाफ बार बार जो बयानबाजी हो रही है उससे ये ज़्यादातर बॉलीवुड का जो खान गैंग है कह सकते हैं या फिर शिवसेना समर्थित एनसीपी समर्थित और कांग्रेस समर्थित जो डी गैंग का समर्थक गैंग है वो सब के सब तिलमिलाए हुए हैं और वो अब व्यक्तिगत हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में जिस तरीके से अनुभव सिन्हा ने ये कहा कि भोजपुरी फिल्म की बात करके रवि किशन जो कहना चाह रहे हैं वहाँ पर सीधे तौर पर नंगा नाच होता है, इसको लेकर एक भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी कहा कि अगर नंगे नाच की आप बात कर रहे हैं तो वो बॉलीवुड में ज़्यादा होता है और आप भी बनारस से आते हैं अनुभव सिन्हा जी, अगर आप बनारस की बात करते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन आपने उस मिट्टी को गाली दी है जहाँ आप पैदा हुए, आपने उस मातृभाषा को गाली देने की कोशिश की है जिसमें आप पले बड़े हैं। आज आप बॉलीवुड के नाम पर भोजपुरी फिल्मों को नंगा नाच बता रहे हैं जबकि आपकी बॉलीवुड की फिल्मों में जो होता है पूरा देश उसको देखता है, यानी कि अब यहाँ पर सीधे तौर पर जो गाली गलौज की भाषा शुरू हो चुकी है, एक तरफ से जब गाली दी जाती है तो उसके जवाब में दूसरी तरफ से ही गालियाँ ही आ रही हैं। निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है अभी और आगे चलेगी। जय हिंद, जय भारत।